जय हिंद बच्चों। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन कंसेंट्रिक शेल्स। तो जब कुछ शेल्स कंसेंट्रिक होती है तो वहां पे किस तरह से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें हम मेजरली तीन टॉपिक कवर करते हैं। एक्चुअली तीन करते हैं कि जब शेल्स कंसेंट्रिक है तो उनमें चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहला बिल्कुल सिंपल, इंडक्शन के थ्रू कैसे करते हैं उसको। सेकेंड, जब हम उनमें से किसी एक को या दो को अर्थ कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, तो फिर चार्ज कैसे बढ़ता है। एंड थर्ड इज कि हम किसी भी दो को आपस में एक वायर से कर देते हैं कनेक्ट, तो फिर चार्ज आपस में फ्लो करता है, तो कैसे फ्लो करता है और कितना कितना चार्ज निकालना होता है कि फाइनल इनिशियल कितना होगा। सो ये तीन टॉपिक मेजरली हम कवर करेंगे इसमें, और ये देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे, बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखें और तीनों कंसेप्ट को लगाना सीखें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो पे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं सेल से। तो पहला हम बिल्कुल बेसिक लेते हैं, जैसे हमको क्वेश्चन में चार्ज निकालने होते हैं। मान लेते हैं कि एक कंडक्टिंग है सारे, मतलब चार सार सरफेस पे होगा। तो मान लेते हैं कि एक ये शेल है कंडक्टिंग, और ये एक और सेल है आउटर। इस पे चार्ज हमने इसको दिया Q, इस पे दिया 2Q, तो दे रखा आपको Q and 2Q are given. Final charges. तो इनिशियली क्यू टू क्यू चार्ज दे दिया और बाद में निकालना फाइनल चार्ज क्या होंगे, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं कैसे इसको अप्रोच करते हैं। तो जब इसको आप चार्ज क्यू दोगे तो ये क्यू एक्स्ट्रा चार्ज है, एक्सेस चार्ज है जो हमने इसको दिया, मतलब है तो इलेक्ट्रॉन कुछ निकाल लिए या कुछ इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वो चार्ज है इस पर। तो इस पर और भी चार्ज होते हैं इसके अलावा, जैसे कि आपने Cl- में क्लोरीन से मान लो को अपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर एक चार्ज आ गया माइनस का, लेकिन क्या उस पर इलेक्ट्रॉन नहीं है? और हाँ है, उस पर 16 इलेक्ट्रॉन्स और है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 2, 8, 7। तो आपने एक उसको दे दिया तो -1 आ गया उस पर, लेकिन उस पर और 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, प्रोटॉन्स भी हैं। तो इन दोनों पे जो क्यू टू क्यू है इनके अलावा भी चार्ज मौजूद होंगे, है ना। तो अब अगर इस पर देखेंगे तो इस वाले कंडक्टर पे इस लैटिस में, एक जो लैटिस है इसका, इस पर चार्जेस हैं बहुत सारे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कुछ प्रोटॉन्स भी हैं। तो ये क्या करेगा, ये क्यू जब रखेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, ये अंदर की तरफ, मतलब इस शेल में अंदर की तरफ ये इंडक्शन से नेगेटिव को खींच देगा, तो यहाँ पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। ये कंडक्टर का ही है जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेपरेट हो जाएंगे जो इंडक्शन में होता है, तो माइनस क्यू अंदर की तरफ इंड्यूस हो जाएगा, इसमें पूरे शेल में हो जाएगा। तो हमने कहीं एक जगह लिख दिया माइनस क्यू, सिमिलरली प्लस क्यू उस तरफ आ जाएगा, उसको रिप्लेस कर देगा। कंडक्टर में ऐसा मानते हैं कि आप जितना चार्ज रखेंगे Q, उतना ही अपोजिट वहां इंड्यूस हो जाएगा माइनस Q। मैं भी अज्यूम कि Q रखोगे माइनस Q आ जाएगा और उस तरफ प्लस Q, प्लस Q धकेल देगा। तो दिस इज द फाइनल चार्जेस इंडक्शन ऐसा बार के थ्रू होता है, ठीक है, और होना भी चाहिए था माइनस Q, क्योंकि इस पॉइंट पे कंडक्टर में, अगर आप इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो होनी चाहिए, बिकॉज कंडक्टर है, कंडक्टर लैटिस है, तो नेट फील्ड जीरो होने के लिए एक चार्ज क्यू है तो एक माइनस क्यू आएगा, आना ही चाहिए, तभी नेट फील्ड यहां पे जीरो हो पाएगी। इस लॉजिक से हम बोलते हैं कि माइनस क्यू आएगा इसका, है ना। तो कहीं भी निकालेंगे कंडक्टर लैटिस में नेट फील्ड जीरो आएगा, अगर माइनस क्यू नहीं आता तो फिर जीरो फील्ड नहीं होती, फिर तो इसकी वजह से हो जाती, तो माइनस क्यू आना चाहिए एक कंडक्टर में फील्ड जीरो हो पाए। सो अगर मैं इस पर फाइनल चार्ज लिखूं, फाइनली कितना कितना होगा, सो आई विल राइट इस पर क्यू ही रहेगा या माइनस क्यू, और बाहर देखेंगे तो बाहर 3Q हो जाएगा। तो इस सवाल का आंसर सिंपली होगा क्यू अंदर माइनस क्यू और बाहर वाले पे 3Q। इट इज वेरी सिंपल, अंदर से बाहर हमेशा इंडक्शन लेते हैं, क्योंकि इस तरफ तो इस पॉइंट पे तो ऑलरेडी फील्ड जीरो है ही है, कुछ है नहीं इसके अंदर, तो हमें यहां जीरो करनी थी फील्ड, इसलिए इंड्यूस कराया हमने माइनस क्यू। दिस इज वेरी सिंपल, ये दो शेल की बातें थी। अगर मैं यहां पे शेल तीन कर लू तो काफी सिंपल होता है, बस अगर लॉजिक लगा ले तो आपको बहुत इजीली आंसर मिल जाए। तो इस पे चार्ज कुछ हमने दे दिया क्यू, इस पे टू क्यू, इस पे थ्री क्यू, ये तीन चार्ज हमने इसको दे दिए एक्स्ट्रा चार्ज एडिशनल। अब जैसे ही क्यू आएगा इस पे
तो इस पॉइंट पे फील्ड जीरो होने चाहिए उसी कंसेप्ट। यहां पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा, एक माइनस क्यू उसकी तरफ खींच जाएगा और प्लस क्यू उससे दूर हो जाएगा। माइनस क्यू को इसने खींच लिया, प्लस क्यू दूर हो गया, इस पॉइंट पे नेट फील्ड जीरो हो गई क्योंकि नेट चार्ज जीरो हो गया इसके अंदर। अब इस आउटर पे कितना है चार्ज है इस जगह पे, तो क्यू और टू क्यू पहले से था, टोटल कितना है थ्री क्यू है ना। तो यहां अगर निकालेंगे तो यहां पे आना चाहिए माइनस थ्री क्यू इंड्यूस, मतलब ये थ्री क्यू था माइनस थ्री क्यू अपनी तरफ खींच लेगा और बाहर प्लस थ्री क्यू धकेल देगा, ये इंड्यूस हो गया। चेक कर सकते हैं अगर आप इस पॉइंट पे फील्ड जीरो करें कंडक्टर के अंदर तो नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, तो क्यू माइनस क्यू जीरो, यहां पे थ्री क्यू तो यहां माइनस थ्री क्यू आना चाहिए तभी इस पॉइंट पे फील्ड जीरो हो जाएगा कंडक्टर के अंदर। सो ये दो इंड्यूस हो गए इस थ्री क्यू वजह से और इसकी वजह से ये इंड्यूस हो गया, तो ये फाइनल चार्ज होंगे इसके सिंपली। इसको आप फिर से लिख दें अलग से, आउटर पे हो गया सिक्स क्यू, यहां पे माइनस थ्री क्यू, इस पे थ्री क्यू, इस पे क्यू, इस पे माइनस क्यू। सो दीज आर द फाइनल चार्जेस, दैट्स इट। सो ये तो पहले टाइप का सवाल है, इसमें आपको चार्जेस निकालने होते हैं, आप सिंपल इंडक्शन यूज करें और ताकि कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती है उसको फिर सॉल्व कर लें, दैट्स सिंपल। नाउ अब थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है जब हम इनमें से किसी एक को अर्थ कर देते हैं या फिर आपस में दो शेल्स को वायर से जोड़ देते हैं। अब सीखते हैं अर्थिंग। अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, अर्थिंग हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि अर्थ इज अ सोर्स ऑफ इनफाइनाइट चार्जेस। अर्थ ऐसा एक सोर्स है जिसके पास बहुत सारा चार्ज है और उसका पोटेंशियल जीरो है, ठीक है। तो मान लो ये एक स्फीयर, इसको आपने अगर अर्थ से जोड़ दिया, ये सिंबल अर्थिंग का, मतलब इसको हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ग्राउंड का पोटेंशियल जीरो होता है, सारे चार्ज बैलेंस होते हैं उस पर, तो मैं ज्यूम करते हैं इसका पोटेंशियल जीरो है। अगर आप किसी को जोड़ दोगे तार से एक, ठीक है, इसका कुछ पोटेंशियल है अपना, मान लो इसका कुछ 10 वोल्ट है, तो ग्राउंड का जीरो है और ग्राउंड का इनफाइनाइट है, तो आपस में चार्ज फ्लो करेगा इसमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल तक, कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। सो ग्राउंड का पोटेंशियल तो हमेशा जीरो रहेगा, ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप ग्राउंड में लाके 10-12 सेल भी जोड़ दें तब भी ग्राउंड इतना बड़ा है कि उसका पोटेंशियल नहीं बदलता, तो पोटेंशियल जीरो रहता है इसका। तो जिसको भी आप अर्थ करते हैं उसका भी फाइनली जीरो हो जाता है। दिस इज द कंसेप्ट। दैट मींस कि आप नोट कर सकते हैं कि ऑन अर्थिंग ए कंडक्टर, ऑन अर्थिंग ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल बिकम जीरो, उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, खत्म हो जाता है अर्थ में जोड़ते ही, अर्थ के बराबर हो जाता है कुल मिलाकर, ठीक है। तो आपको पोटेंशियल लिखना आना चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे। तो मैं आपको जस्ट एक रिव्यू देता हूं, जैसे ये शेल है, फिर चार्ज क्यू है, अब आपको बाहर निकालना पोटेंशियल, तो होता है के क्यू बाय आर। ये शेल है, आपको सरफेस पे निकालना है तो के क्यू बाय कैपिटल आर, और अगर शेल है आपको अंदर निकालना तो ये भी के क्यू बाय कैपिटल आर ही आता है, क्योंकि जितना सरफेस पे होता है उतना कहीं भी अंदर होता है, एक शेल के अंदर कंडक्टिंग शेल में सरफेस पे केक्यू आर होता है और बाहर केक्यू बाय स्मॉल आर होता है। ये तीन फॉर्मूले जो काम आ सकते हैं। अब इस पे एक दो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये शेल है, इसको आपने क्यू चार्ज दिया, इस रेडियस को आप ए बोल दें, है ना, इसको आप मान लेते हैं आपने टू क्यू चार्ज दिया और इसको कर दिया। तो इसमें हमने माना कि भाई Q एंड टू क्यू आर, तो निकालना है फाइनल, फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन अर्थ कंडक्टर, तो इसे फाइनली कितना होगा, ठीक है। तो पहली बात ये कि जिसको भी आप अर्थ करते हो उस पर पहले जो भी चार्ज था वो किसी काम का रहता नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता कि कितना उससे अर्थ में जाएगा या कितना अर्थ से उसमें आएगा, इसका चार्ज अपना अलग से कंजर्व रहेगा क्यू,
क्योंकि ये किसी जुड़ा हुआ नहीं है, ये अकेला है, तो ये इसका चार्ज कंजर्व रहेगा, इसका नहीं रहेगा बिकॉज ये अर्थ से कनेक्टेड है। तो जो भी चार्ज आपको अर्थ में दे रखा है उसको मिटा दें कि कोई नीड नहीं है इसकी, क्योंकि हमें ये नहीं पता कंजर्व टू क्यू है ही नहीं कि कितना जाएगा कितना आएगा, तो आप उसको रफ कर दें, कुछ भी नहीं है हटा दें। और मान लें कि इस पर चार्ज कुछ क्यू बने कि अर्थ से उसने लिया या अर्थ से दिया, उसके बाद उस पर चार्ज फाइनली क्यू बना गया, ठीक है, पहले क्या था पता नहीं, छोड़ो उसको। अब इसको मान लो आप स्फीयर वन, इसको मान लो स्फीयर टू, तो स्फीयर टू पे पोटेंशियल लिखते हैं, हमने पढ़ा कि जिसको भी अर्थ करते हैं उसका पोटेंशियल जीरो हो जाता है, तो टू पे लिखते हैं पोटेंशियल, उसको जीरो कर देंगे, दैट्स इट, वो खुद ट्राई करें एक बार। सो इसकी वजह से यहां लिखते हैं पोटेंशियल, ये इस रेडियस को आप बी मान लें, तो ये आगे फॉर्मूला बाहर वाला, तो के क्यू बाय आर होता है, तो इसके लिए आर इस पॉइंट के लिए बी है, तो अंदर वाले की वजह से होगा के क्यू बाय बी, इसकी वजह से इस पॉइंट पे, प्लस इस खुद की वजह से कितना होगा, खुद के सरफेस पे है, तो के क्यू बाय आर, आर इसका आर कितना है अपना बी, इक्वल टू जीरो, दो ही चार्ज है, इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्यू वन इक्वल टू माइनस क्यू, ये फाइनल चार्ज निकल के आ जाएगा, इस पर सब कुछ ले देंगे, तो इस पे फाइनली इतना होना चाहिए सब कुछ, इंडक्शन में सब कुछ मिला के माइनस क्यू होना चाहिए फाइनल चार्ज बाहर वाले पे। क्या मतलब है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि बाहर वाले पे आपको पहले आपने टू क्यू दिया था, है ना, अब बचा माइनस क्यू, इसका मतलब आपने टू क्यू दिया माइनस क्यू हो गया। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि ऊपर कितना चार्ज आया होगा, 2q था माइनस क्यू बचा, दैट मीन्स कि अर्थ से माइनस थ्री क्यू फ्लो कर गया होगा, तब इस 2q को नेगेटिव कर दिया होगा माइनस क्यू। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे, इसने कल ये पूछा था फाइंड फाइनल चार्ज, तो ये माइनस क्यू था इसका आंसर, ये पूछता कि अर्थ से कितना फ्लो किया तो माइनस थ्री क्यू बोलता ना। सो ऐसे हम अर्थिंग सॉल्व करते हैं, तो आई बिलीव कि आपको क्लियर होगा। तो मैं एक आपको क्वेश्चन और देता हूं, उसको भी आप करिए मेरे साथ। इस बार हम इस काम को रिवर्स कर देते हैं, बहुत इजी होता है, आपको बस ये लिखना चाहिए पोटेंशियल और बेसिक कंसेप्ट बता देना चाहिए। इस बार देते हैं इसको क्यू, फिर से टू, इस बार इसको और कर देते हैं। तो फिर से इसे क्यू टू क्यू दिए और बोला फाइन फाइनल चार्जेस, भाई वही करेंगे फिर से आप कि जिसको आपने अर्थ किया है उसका चार्ज किसी काम का नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला, तो उसको आप मिटा देंगे कि भाई सर इसको पता नहीं ये कितना फ्लो करेगा क्या होगा, हटा दें इसको, मान ले सिंपल इस पर चार्ज कुछ क्यों हो गया, सब कुछ अर्थ से ले देंगे। अब लिखते हैं पोटेंशियल वन का, इस बार तो पहले लिखते हैं खुद की वजह से, सो के क्यू वन बाय, अब लिखते हैं इसकी वजह से अंदर, तो अंदर पोटेंशियल कितना होता है, जितना सरफेस पे होगा उसके, उसके वजह से अंदर भी उतना ही होगा के क्यू बाय आर, तो इसके सरफेस पे कितना होगा के टू क्यू बाय बी होगा, तो अंदर कहीं भी निकालोगे के टू क्यू बाय बी रहेगा इक्वल टू जीरो, तो इसकी वजह जितना सरफेस पे था इसके उतना इसके अंदर रहेगा कहीं भी, तो निकालेंगे इसे क्यू वन माइनस ए बाय बी इनटू, ये इसका फाइनल चार्ज होगा, जो पहले था हो गया बाहर में इतना बचा, फिर से निकाल सकते हैं अगर चाहिए तो कि भाई कितना अर्थ से फ्लो करेगा या अर्थ से, हाँ मतलब उस तरह से, तो दिस इज अर्थिंग ऑफ ए कंडक्टर, उसको ऑफ कर देता हूँ। तो आपको इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आप उसे करके मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इस बार दो शेल से शेल तीन कर सकते हैं, कंसेप्ट रिमेन सेम, प्रैक्टिस तो इसको तो आप अभी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करें सॉल्व करके देखें, बाद में करेंगे दिक्कत होगी। तो Q, 2Q, 3Q मान लेते हैं और मिडिल वाले को कर देते हैं R, रेडियस मानते हैं R, 2R, इसको मानते हैं 3R। तो निकालना है आपको इसमें फाइंड चार्ज अपेयर्स ऑन द मिडिल कंडक्टर, फाइंड चार्ज ऑन द मिडिल कंडक्टर आफ्टर अर्थिंग, तो इसको आप सॉल्व करें और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखें। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं इसमें,
काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट लगता है कि कैसे हमें कैसे हम लिखें इसको, कैसे हम इसको याद करें, या फिर ये टॉपिक हमें क्लियर नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर यू दैट कॉन्सेप्ट, ताकि आप लोग इजीली उसे उसे कोशिश कर पाए। थर्ड कॉन्सेप्ट, कनेक्टिंग बाय वायर, कि इस बार दो को जोड़ देंगे वायर से। हालांकि पिछले में भी यही किया था, अर्थ में भी, इस बार हमने स्फीयर को जोड़ा था अर्थ से, लेकिन इस बार हम अर्थ को नहीं लाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे आपस में। जैसे कि एक वायर से दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक है भाई। तो इस बार क्या होता है, फिर से हमने बात की थी उस केस में भी, कि जब भी हम दो कनेक्टर को जोड़ते हैं, दो बॉडीज को कनेक्टर को, तो चार्जेस फ्लो करते हैं फ्रॉम ए बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू ए बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। कब तक करते हैं, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो यहां भी ऐसे ही होगा, चार्ज फ्लो करेंगे इनमें, जो भी हायर पे होगा, जो भी लोअर पे होगा, और फिर तब तक करेंगे जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहां भी लगता है। तो पिछली बार तो ये चेंज था कि उसमें एक बॉडी अर्थ थी, तो अर्थ का पोटेंशियल कॉन्स्टेंट ही था, जीरो, तो दूसरे वाले का भी फाइनली जीरो हो गया, कोई बदला ही नहीं। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों का कुछ कुछ पोटेंशियल होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, अर्थ की तरह रिजिड नहीं है कि जीरो है, कुछ है, तो आपस में फ्लो कर सकता है। So, पहला काम तो आप ये नहीं करना आपको इस बार, कि आप ये निकालने की कोशिश करें कि भाई किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, ताकि उससे चार्ज फ्लो करेगा आउटर तक। आपको कुछ भी मान लें, आप लेट सपोज मान लें कि चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है। अगर आप लोगों को लगता है कि उल्टा, तो आप मेरे साथ यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं चार्ज बाहर से अंदर, तब भी सेम आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो मैंने जिम किया कि चार्ज अंदर से बाहर गया, और तब तक जाएगा चार्ज जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा। तो इस पे चार्ज बचेगा Q माइनस Q, इसे बचेगा Q प्लस Q, ठीक है। तो मैं लिखता हूं पोटेंशियल जितना 1 का होगा उतना 2 का होगा फाइनली। अब इस पे पोटेंशियल एक तो खुद की वजह से होगा और एक इसकी वजह से होगा, सेम बाहर वाले पे इसकी वजह से भी होगा, इसकी वजह से भी होगा, पोटेंशियल सबकी वजह से होता है वहां पे। तो पहले इस पे लिखते हैं खुद की वजह से, दिस इज इक्वल टू के यू माइनस क्यू बाय ए प्लस। अब इसके लिखते हैं अंदर, तो जितना सरफेस पे होगा इसके उतना इसके अंदर कहीं भी होगा, तो के टू क्यू प्लस क्यू अपॉन सरफेस पे जितना होगा इसके उतना अंदर कहीं भी होगा, लिख दिया। इक्वल टू लिखते हैं टू पे, इसकी वजह से ये बाहर है, तो ये लगेगा के क्यू बाय आर वाला, आर इसके लिए बी हो जाएगा, सो के बी प्लस खुद की वजह से बी। देख सकते हैं ये टर्म पूरी की पूरी कट गई और निकल के आ रहे तो यहां पर आपको ये नहीं करना कि आपने Q माइनस क्यू से Q माइनस क्यू काट दिया और A इक्वल टू बी कर दिया, वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि A इक्वल टू बी नहीं है, अलग अलग है। तो अब ये दो टर्म बराबर है, बराबर कब हो सकती है, टॉप की टर्म बराबर Q माइनस क्यू, Q माइनस क्यू, लोअर बराबर नहीं है, बराबर कभी हो नहीं सकती। मान लो ये 1 है और ये 2 है, ये 1 है ये 3 है, तो हो नहीं सकता इक्वल। सब एक कंडीशन है कि दोनों जीरो हो जाए, दोनों ही जीरो हो जाए, तो पॉसिबिलिटी जीरो इक्वल टू जीरो, That means कि Q equal to Q हो जाए, और इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, B को ऊपर ले जाए चाहे तो, तब भी आएगा Q equal to Q। इक्वल टू क्यू क्या बता रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमको याद ही होना चाहिए। ये बता रहा है कि क्यू माइनस क्यू, हम इस पे चार्ज क्यू गया था और वो क्यू के बराबर ही हो गया,
ए और पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, दैट मींस इसका फाइनल चार्ज निकालेंगे, क्यू को पुट करेंगे क्यू, तो ये जीरो आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 3 क्यू। इस बात का मतलब ये है कि ये स्फीयर पूरा खाली हो गया, इसमें चार्ज जीरो बचा, इस पे बच गया 3 क्यू, और पहले क्या था, पहले इस पे क्यू था, इस पे 2 क्यू था, दैट मींस अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला गया। ये हमेशा होगा, जब भी आप दो स्फीयर को जोड़ोगे, दो स्फीयर हो खाली, तीन को नहीं कह सकते, दो को जोड़ोगे तो हमेशा अंदर वाले का सारा चार्ज उठ के बाहर चला जाएगा। तो दिस इज द रिजल्ट, तो इसको हम लिख सकते हैं कि व्हेनेवर वी कनेक्ट टू कंसेंट्रिक शेल्स बाय वायर, ऑल द चार्ज फ्रॉम इनर स्फीयर विल फ्लो टू द आउटर, दैट्स इट। तो आपको इसको क्वेश्चन में ड्राइव नहीं करना, आपको याद हो गया अभी कि भाई वो चार्ज सारा बाहर फ्लो कर जाएगा हमेशा। तो उसको नोट कर सकते हैं कि ऑल द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम इनर टू आउटर। तो अगर आप नेक्स्ट केस ड्रॉ करें तो कर दे 2q फिर 3q और जोड़ दे वायर से, तो इस बार भी चार्ज फ्लो करेगा, और अगर देखेंगे फाइनली कितना होगा तो 2q ये खत्म हो जाएगा, तो ये जीरो बचेगा और ये बचेगा 5, सारा बाहर फ्लो कर जाएगा। तो दिस इज सिंपल। तो मैं आपको एक क्वेश्चन होगा मैं दे सकता हूँ, अगर आप चाहें तो तीन चल रहा है, क्यू 2q माइनस 2 आर 2 आर और 3 आर। इस बार हमने इन दोनों को जोड़ लिया, फर्स्ट थर्ड को आपको निकालना है, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू वायर। तो दो क्वेश्चन होमवर्क के हुए, इन दोनों को आप ट्राई करें, रेडियस आर 2 आर 3 आर है। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी वो बताएं मुझे कमेंट करके, और अगर कोई डाउट तो ही बताएं मुझे। दिस इज ऑल अबाउट आवर दिस लेक्चर, अगर इसके रिलेटेड कोई डाउट है आपको तो जरूर मुझे बताएं कमेंट करके, और इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।